थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक किसान द्वारा कीटनाशक दवा छिड़कने से 15 बीघा में लगी धान की फसल नीचे गिर गई, जिससे किसान को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। हम आपको बताते चलें कि किसान ने यह कीटनाशक दवा दवा विक्रेता से खरीदी थी। दवा विक्रेता ने उसे घास खत्म करने की दवा दी थी, जिससे उसकी धान की फसल नीचे गिर गई और उसे लाखों रुपए का नुकसान हो गया। कुमार, ये जो खेत में नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ है? हाँ जी, मैं दवाई लेने के लिए गया था त्याग जी यहाँ पे। मैं फिड़के की घोड़े की दवाई देता हूँ मच्छर की। अच्छा। उनका जो बाल आ गई है, बाल निकल लिया गब्बे पे है मेरी मुंजी, तो उन्होंने ठाक जी मुझे वो शीशी दे दिए। अच्छा। उनका तुम इसको मार देना। उनका ठीक है, वो ले आया जी मैं। लाने के बाद मैंने आकर उसको शाम को, अगले दिन शाम के टाइम वो मारी। सुबह आकर देखा तो वो शीशी पूरी, वो सगली मेरे ध्यान सब फूक गया। किसकी दुकान से ली थी? त्यागी जी, अरविंद त्यागी। कहाँ पर? सतीश त्यागी, अरविंद त्यागी, छावनी। कहाँ पर है दुकान? हाँ जी, छावनी, बागड़ छावनी। अच्छा। छावनी में है ये। और ये खेत कहाँ पे है? हाँ जी, ये बागड़पुर में, अल्लापुर बागड़पुर। कितना नुकसान हुआ है इसमें? इसमें जी लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान का धान बैठता जी है मेरी मुंजी। कितने बीघा खेत है ये? 3 एकड़ है जी, लगभग 3 एकड़। और कोई खेत? हाँ जी, उसमें इसमें जी बंदा है जी, बंदे में मैंने जाकर इसमें स्प्रे करवा दी, उसी दूसरी दवाई ही करी थी उसमें बंदे में, लेकिन टंकी मैंने धोई नहीं तो उसमें भी पेड़ों में फर्क आ गया जी। उसका बंदे भी, आप बंदे को चल कर देख लीजिए। हाँ जी, कुछ मदद का आश्वासन मिला आपको? नहीं जी, कुछ नहीं। आप कहे हैं तो कह रहे हैं, बुलाने से आ भी नहीं रहे। मैं तीन बार जा चुका हूँ जी। क्या कहते हैं? बोल रहे हैं इनका नहीं हो जाएगा, यार यूँ है आदमी मर जाता है, ये हो जाता है, दवाई पी के आदमी मर जाता है, ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं कहा कम से कम इसे देख के तो देखो तो क्या करना, फिर मैं और दवाई लेकर आया हूँ जी। ये जो है नुकसान हुआ, क्या नुकसान हुआ है? ये नुकसान हुआ है जी, ये लड़का क्या दवाई है मच्छर की और तीतरी की और ये टिड्ढा मारने की, बाहर निकल रही मुंजी में वो दूध को चूस रही। अभी अरुण त्यागी के यहाँ पहुँच गया तो उसने बजाय कीटनाशक के इसको वो घास मारने वाली शीशी पकड़ा दी। इसने आए कैसी थे स्वभाव, स्प्रे कर दी तो सारी मुंजी खराब, तो ये सारी मुंजी अपने आप मुरझाने लगी। फिर इन्होंने पानी की स्प्रे करी, ट्रैक्टर बुलाया, टैंकर मंगाया, उससे पूरे पर पानी लगाया, उसकी धुलाई करी, लेकिन कोई समस्या का समाधान हल नहीं निकला। दुकान वाला क्या कह रहा है इस बारे में? दुकान वाला कह रहा है सवेरे आया था जी, वो कल तो पूरे दिन फोन करा नहीं आया। दुकान वाला सवेरे आया करीब 7 बजे करीब, वो कहने लगा भाई जितना नुकसान हुआ है ये बिल्कुल हरी हो जाएगी, इसमें मैं दवाई लगवाऊंगा और टैंकर भेज रहा हूँ अभी, और इस पर टैंकर की से धुलाई करवाऊंगा और तुम इसमें पानी भरो, पानी भर के रखो, 10 दिन टैंकर से धुलाई करूँगा मैं इसकी, ये सारी हरी हो जाएगी। मैं सर्वेश बघेल, बहुजन समाज पार्टी वरिष्ठ कार्यकर्ता, 86 विधानसभा एतमादपुर आगरा से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और एतमादपुर की जनता से भी अपील करता हूं कि कोविड को ध्यान में रखते हुए त्योहारों को धूमधाम से मनाएं। जय भीम, जय भारत। मैं राकेश बघेल, चेयरमैन एतमादपुर, 15 अगस्त और रक्षाबंधन और जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना देता हूं और कोरोना काल का ध्यान रखते हुए सभी लोग मास्क का प्रयोग करें और थोड़ी दूरियां बनाएं। जय हिंद, जय भारत। मैं राकेश बघेल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष आगरा,
देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और एतमापुर विधानसभा के जन जन लोगों को 15 अगस्त, जन्माष्टमी और रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और एक संदेश और निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोरोना काल का जो दौर गया है उसको पालन करते हुए, कोविड का पालन करते हुए सब लोग 15 अगस्त को बड़ी धूमधाम के साथ और अच्छे ढंग से के साथ मनाएं।